देखिए, इटावा पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसमें स्वाट प्रभारी और इंस्पेक्टर सिविल लाइंस के मेन भूमिका इन लोगों की थी। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा तीनों एडिशनल एसपीज के पर्यवेक्षण में 6 टीमों का गठन किया गया था, जिन लोगों ने पूर्व की एफआईआर जो हमारे यहाँ ट्रैक्टर फ्रॉड की हुई थी उसकी विवेचना को आगे बढ़ाते हुए आज 41 वाहनों का, जिसमें से 30 ट्रक हैं, उनकी रिकवरी करी है। 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं और बाकी 7-8 व्यक्ति हैं, जिसमें से कुछ ARTOs हैं। 2016 में औरैया में पोस्टेड ARTO, वहाँ के कर्मचारी, इटावा के कुछ समय के ARTO व कर्मचारी और बहुत सारे दलाल जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। 7 से 8 करोड़ के बीच की यह रिकवरी है। इस टीम को ADG कानपुर जोन द्वारा 1 लाख रुपये, IG कानपुर रेंज द्वारा 50,000 रुपये तथा मेरे द्वारा 25,000 रुपये, कुल 1,75,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। एवं DGP महोदय द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि इसमें टीम को उत्साहवर्धन हेतु, क्योंकि बहुत अच्छा गुड वर्क है, उनको उचित इनाम दिया जाएगा। ये समस्त टीमें हैं, इनको भी DG कमेंडेशन डिस्क के लिए और अन्य मेडल्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन इसमें जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो गैंग है, इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये फर्जी तरीके से चोरी और लूट की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको, जैसे कोई गाड़ी दिल्ली से चोरी हुई, कोई रायपुर से चोरी हुई, कोई औरैया से हुई, इन सब गाड़ियों के चेसिस नंबर को ये बदल के पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि नागालैंड और मणिपुर इसमें रजिस्टर कर दिया करते थे, वहाँ पर फ्रॉड करके वहाँ के अधिकारियों के मिलीभगत से, और फिर यूपी में किसी ARTO की मिलीभगत से उसकी ट्रांसफ़र NOC जारी कर दिया करते थे, ताकि जो फ्रॉड और फर्जी जो ट्रक हैं, चोरी और लूट के जो ट्रक हैं, उनको हम लोग यदि कोई पुलिस की टीम या कोई और भी इन्फोर्समेंट की टीम जांच करे तो उसे असली पाया जाए। तो ऐसे गैंग का खुलासा हम लोगों ने किया है, इसमें कई और लोग सामने आ रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हमारे द्वारा की जाएगी। और यह जो कार्य है, बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसमें इटावा में जितने भी दलाल सक्रिय थे पूर्व में, उनकी हम लोगों ने पूर्व में ही गिरफ्तारी कर ली है। एक और ट्रैक्टर फ्रॉड का नेटवर्क था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त भी जो भी चीज़ इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी, धीरे धीरे पड़ते इसकी खुलती जाएंगी, आपके सामने इसको रख दिया जाएगा, और भी इसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी होनी शेष है। क्या नागालैंड की गाड़ियां यहाँ रजिस्टर करते थे वो लोग? देखिए, गाड़ी दिल्ली से चोरी है और यूपी के से चोरी है, मध्य प्रदेश से चोरी है, उस गाड़ी को वो पूर्वोत्तर के राज्य में किसी अधिकारी से सेटिंग करके उसे नागालैंड नंबर के रूप में रजिस्टर कर दिया करते थे। गाड़ी वो यूपी की होगी, दिल्ली की होगी, कहीं और की होगी, फिर नागालैंड में एक बार रजिस्टर हो गई गलत तरीके से, उसका ट्रांसफर NOC दिया जाता है यूपी में ARTO द्वारा। तो उसमें ARTO की जिम्मेदारी होती है कि उसकी वो जांच करे, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही उसमें दिया जाता है। और हम लोगों ने क्योंकि तुरंत ही उसको वेरीफाई कर लिया कि ये वो गाड़ी टाटा के द्वारा, अशोक लीलैंड के द्वारा, महिंद्रा के द्वारा बनाई ही नहीं गई है तथा इंजन चेसिस नंबर सब फर्जी हैं, उनका एक दिन के अंदर ही सभी गाड़ियों का इन लोगों ने ट्रांसफर NOC कुछ ARTOs द्वारा जारी कर दिया गया है। उसमें वो लोग भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हमारे द्वारा की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अधिकारी भी आपके रडार पे हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की इसमें ज़रूरत है। हमारी टीम जो है अन्य राज्यों की टीम से संपर्क करेगी और उसमें जो कुछ भी एविडेंसेस सामने आते हैं उस एविडेंस के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ के कितने जनपद के ARTO आपके रडार पे, उनपे शक के दायरे में हैं, जिन पर काम चल रहा है? देखिए, मिनिमम 3 ARTOs हैं जिनका हम लोग को रोल काफ़ी हद तक मिला है, और उसमें कुछ कर्मचारी भी हैं, कुछ ARTO के दलाल हैं, और कुछ लोग हैं जो इसी गैंग के सरगना हैं, जो फ्रॉड का काम करते हैं। इन सब लोगों का रोल आया है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने काफ़ी, इनकी डायरी से और इनकी पूछताछ में काफ़ी बातें हम लोगों को पता चली है। शीघ्र ही गैंग के बाकी लोगों की और उनका संरक्षण करने वाले ARTOs की, उन लोगों की भी एविडेंस के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी।